ग्रेविटेशनल्स आगे बढ़ेंगे आपको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैपलर धारणा। कैपलर से हमने इससे पहले पढ़ा था, कैपलर फर्स्ट लॉ, कैपलर सेकंड लॉ। कैपलर फर्स्ट लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्बिट लॉ के बारे में जानते हैं। ऑर्बिट लॉ का मतलब क्या था कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। और दूसरे में हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्या था, दूसरा जो एरिया था, एरिया वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, और जो एरिया निकल के आ रहा था स्विफ्ट आउट एरिया जो था वो क्या था, इक्वल एरिया था, दोनों तरफ का इक्वल एरिया। और वो किसके ऊपर डिपेंड था, सेकंड जो हमारा लॉ है वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। आज हम थर्ड लॉ जो कैपलर का वो डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपलर थर्ड। और इसको बोलते हैं क्या नाम होता है इसका, पीरियड। ये लोग क्या कहता है, देखिए हमने अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ वी डिस्कस अबाउट दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एंड द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइक एज ओवल लाइक एज एग। तो वो जो शेप है हमने बनाने का तरीका भी हमने डिस्कस किया था, पेंसिल वाला जो तरीका मैंने आपको बताया था धागे से थ्रेड से उसको बना सकते हैं, बाकी हम जनरल ये मुश्किल ये शेप बनाते हैं बेसिकली लाइक दिस। ये जो शेप होती है ऐसी शेप हम बनाते हैं इसमें, ये इसके अंदर देखिए ये इसकी कौन सी एक्सिस होती है, ये जो एक्सिस होती है, ये एक्सिस होती है इसकी माइनर एक्सिस, और ये जो एक्सिस रहती है ये एक्सिस कौन सी रहती है इसकी मेजर एक्सिस रहती है, ठीक है। ये दो फोकस के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या एक फोकस है और इसको हमने एज्यूम कर लिया था सन, ठीक है ऐसा था। इसके अंदर कैपलर के थर्ड लॉ के बारे में क्या बताया गया है, कैपलर पीरियड लॉ में बताया गया रिलेशन बिटवीन बिटवीन टाइम पीरियड एंड पीरियड एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन, रिलेशन ये है इसमें ये बताया गया है कि जो टाइम पीरियड लगेगा, सपोज करते हैं प्लैनेट यहां से चला, सपोज करते हैं कि यहां पे कोई प्लैनेट है वो यहां से ओमेगा वेलोसिटी के साथ यहां से चलता है, ओमेगा वेलोसिटी के साथ जैसे यहां से वो चलेगा तो इसको टाइम तो नीड होगी, बट यहां से सन से इसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, यानी कि कौन सी एक्सिस है मेजर एक्सिस, ये डिस्टेंस होगी रेडियस मान सकते हैं इसको हम। और ये जब यहां पहुंच जाएगा तो यहां से देखिए इसकी जो एक्सिस होगी वो कब होगी, डिस्टेंस कब होगी, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो शो किया गया है कि अब कोई भी प्लैनेट अपनी जगह से चलने के बाद वो एक चक्कर पूरा करता है तो कितना टाइम पीरियड लेगा वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमने काइनेमेटिक्स में स्टडी किया है, काइनेमेटिक्स में हमने क्या स्टडी किया है कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतना ही टाइम पीरियड क्या होगा ज्यादा लगेगा। जैसे यहां से हम दिल्ली जा रहे हैं और यहां से हम मुंबई जा रहे हैं तो दिल्ली जाने का टाइम पीरियड क्या है कम है और मुंबई जाने का टाइम पीरियड क्या है ज्यादा है, तो वही इसमें शो किया गया है। कैपलर ने ये जो डाटा कलेक्ट किए हैं ये टाइटोग्राफी के ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट किए हैं, हमने पहले डिस्कस किया है, तो वो जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, टाइम स्केल ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस, और क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस को हमने किससे लिखा है आर क्यू से, दिस इज द न्यूटन्स सॉरी कैपलर थर्ड लॉ। इसको लिख सकते हैं द स्केल ऑफ टाइम पीरियड स्केल ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ शेप क्यूब ऑफ सेमी मेजर
q of a semi-planar axis. This is Kepler third law. ये है Kepler का third law. हम जानते हैं, अब ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, ये एक planet है. Suppose करके ये क्या है? Planet. Planet जब circle में घूमता है, तो हमने rotational motion में discuss किया था. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें घूमता है, सर्कल के अंदर घूम रहा है, चल रहा है वो सर्कल के अंदर, तो उसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी कौन सी लीनियर वेलोसिटी और एक वेलोसिटी कौन सी एंगुलर वेलोसिटी. तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी है अभी हमें एंगुलर वेलोसिटी है इसके पास. अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो हम बता सकते हैं, देखिए और दूसरी बात हमने डिस्कस की थी, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो ये पॉइंट ये इसका सेंटर, इसके ऊपर दो फोर्स काम कर रही हैं, एक कहां अंदर की तरफ, उस फोर्स का नाम क्या था, आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स. और दूसरी जो फोर्स ठीक इतनी ही फोर्स होती है जो कहां काम करती है रेडियली आउटवर्ड. कहां काम करती है रेडियली, मैंने बताया था आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर कहां काम करता है रेडियली काम करता है इनवर्डली सेंटर की तरफ टुवर्ड द सेंटर. और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो कहां काम करती है रेडियली आउटवर्ड. ध्यान रखना दोनों फोर्स जो काम करते हैं इनका प्रिंसिपल क्या है हमेशा रेडियली काम करेंगे. रेडियली का मतलब सेंटर की तरफ, सेंटर से रेडियल कहां होता है रेडियस सेंटर की तरफ होता है या फिर सेंटर बाहर की तरफ रेडियल. दो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन मैंने बताई थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ब्रैक रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड इसकी वैल्यू कितनी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, आंसर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर. बट हम जानते हैं वी का रिलेशन क्या होता है बच्चों आर डॉट ओमेगा. अगर ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये बन जाएगा एम आर डॉट सॉरी एम आर ओमेगा का स्क्वायर और डिवाइड बाय आर. ठीक है इसको आप सोल्व करोगे तो ये बच्चों इसको मैं यहां राइट कर रहा हूं यहां पे, तो देखिए सोल्व करने के बाद आपका इक्वेशन बन जाएगा ये एम आर का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड डिवाइड बाय आर. एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू बन जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज सेंट्रीपेटल फोर्स. ये कौन सी फोर्स हो रही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स भी इतना ही होता है बट किस तरह अंदर की तरफ, दोनों के डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है. ये रेडियली आउटवर्ड होता है और यहां पे नोट डाल के लिख लेते हैं हम सेंट्रीपेटल फोर्स रेडियली इनवर्ड एम आर ओमेगा स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर. अब देखिए अगर ये प्लैनेट है इस प्लैनेट को सन की तरफ खींच रहा है, अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो सीधी सी बात है इसकी तरफ अंदर की तरफ कोई फोर्स काम कर रही होगी. वो फोर्स मैंने बताया था कि सेंट्रीपेटल फोर्स कोई एक बेसिकली कोई स्पेशल टाइप की फोर्स नहीं होती. ये हम डिस्कस कर चुके हैं जैसे कहीं पे मैग्नेटिक फोर्स होती है. अगर आप 12th में जाके मैग्नेटिक चैप्टर के बारे में डिस्कस करोगे तो वहां पे एक F is equal to QED sin theta आएगा. वो QED sin theta जो होता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है. चार्ज पार्टिकल को किस में घुमा देता है बच्चों वो सर्कल में घुमा देता है. हमने पीछे फ्रिक्शन के चैप्टर में पढ़ा, फ्रिक्शन के चैप्टर में कहीं पे mg sin theta था जो किसका काम कर रहा था सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा था, जो टर्न करने का काम कर रहा था. तो यहाँ पे देखिए ये सन है, इस सन के चारों तरफ कोई रोटी सर्कल में, इसका मतलब सन इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा तभी तो किसने रोटेट कर रहा है. सर्कल में प्लैनेट रोटेट करते हैं तो कितना कौन सा फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स. सन इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है. अगर इसको मैं पॉइंट मान लूं प्लैनेट को क्या मान लूं पॉइंट और ये इसको क्या मान लूं सोर्स मान लूं तो इसके ऊपर क्या करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसको अंदर की तरफ खींचेगा. अगर वही केस हो गया सिंपल कि एक स्टोन पत्थर ले लिया इस पत्थर को धागे से बांधा ये सन मान लिया इसको ऐसे घुमा दिया ये पत्थर कहां जाने की कोशिश करेगा बाहर की तरफ किस फोर्स के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ. और अंदर की तरफ जो मैंने फोर्स लगाया है जो मस्कुलर फोर्स है हमारा मस्कुलर फोर्स
ये जितना फोर्स लगा रहा है ये किसका काम करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा। आई बात समझ में क्लियर? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो सन है वो इस प्लैनेट पे बच्चों क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। कितना? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था बच्चों, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ के आए हैं कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, F is equal to G M M by R square। एक मास होता है किसका, ऑब्जेक्ट का, और एक मास होता है जो सोर्स उसका। G होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट और R square के बीच में क्या होती है डिस्टेंस, ये होता है। आई बात समझ में? तो हम पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ कैपलर थर्ड लॉ या फिर प्रूफ ऑफ कैपलर थर्ड लॉ। आई बात समझ में? रख कर उसको तो देखिए, ये डिडक्शन ऑफ हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन या फिर प्रूफ। प्रूफ बोल सकते हैं इसको, इसका प्रूफ क्या था, थर्ड लॉ, पीरियड लॉ, इसको पीरियड लॉ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंसीडर एक प्लैनेट ऑफ मास लिख लेते हैं हम, कंसीडर एक प्लैनेट ऑफ मास M, mass M is orbiting around the sun, is orbiting around the sun, sun of mass, of mass capital M, प्लैनेट का मास कितना है स्मॉल एन और उसका मास कितना है कैपिटल एन इन सर्कुलर ऑर्बिट। इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस, ये रेडियस होगी मान लो, यहां से हमने देखा इसको हम क्या मान दिया रेडियस R, रेडियस R विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन T, देन द टाइम पीरियड time period revolution is capital T। बच्चों time period और time में दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, एक होता है small t और एक होता है capital T। small t क्या होता है, instant time होता है, जो बार बार हम कहीं पे कहीं किसी भी location पे क्या करते हैं उसकी value को measure कर सकते हैं। एक होता है capital T, capital T का मतलब होता है बच्चों टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड उसको बोलते हैं अगर कोई बॉडी यहां से चली है आफ्टर पूरा एक कंप्लीट सर्कल रिवॉल्यूशन पूरा करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अगर उसी पॉइंट पे वो क्या हो जाती है वापस आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं, जितना वो टाइम लेती है। इसका मतलब है टाइम पीरियड की हम डेफिनेशन दे सकते हैं टू कंप्लीट ए वन साइकिल, टू कंप्लीट ए वन साइकिल दैट टाइम टेकन बाय ए बॉडी इज नोन एज टाइम पीरियड। To complete a one cycle by a body and take a time is known as time period of a body। Complete one cycle, एक cycle को complete करने में जितना time उसको लगता है उसको हम क्या बोलेंगे time period बोलेंगे, क्या बोलेंगे time period। अगली बात समझ में? तो देखिए gravitational जो force लगी वो कितनी होगी, gravitational force answer है g capital M mass of sun, small m mass of planet divide by r square, ये कहां लगेगी, ये सेंट्रीपेटल का फोर्स का काम करेगी। किसका काम करेगी बच्चों, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का। ये जो फोर्स है ये इतनी फोर्स ये का वर्क लाइक एज सेंट्रीपेटल फोर्स, वर्क लाइक एज सेंट्रीपेटल फोर्स। इसके तरह काम करेगी सेंट्रीपेटल फोर्स के, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। That's why we write here MR. Okay.
that's why you write here mr omega square, then equate the equations and put the value of omega. We know that omega is equal to 2 pi upon t, and the square of omega here, square and 2 square of course pi square and t square. This equation become ऐसा बन जाएगा कि omega की value आगे omega square की value यहाँ पे put कर देंगे. अगर इसको हम यहाँ पे put करेंगे तो देखिए हमारा result क्या बन जाएगा. जो result बन जाएगा g m small m upon r square is equal to m r 4 pi square and divide by t square. Small m is cancelled by small m. Then equate the equation. The find out the value of t square. Find out the value of t square. T square के अगर आप value को find out करोगे, तो value को find out करना बड़ा आसान है. T square किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? देखिए बिना समझ में आ रहा है पक्का? तो देखिए ये किसके बराबर जाएगा? gm 4 पाई ऊपर रह जाएगा, gm नीचे चले जाएगा, 4 पाई by g कैपिटल m और r t q. या क्या 4 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, पाई भी 3.14 कांस्टेंट टर्म है, और g कैपिटल g यूनिवर्सल कांस्टेंट, एक ये भी आपका कांस्टेंट टर्म है, मास ऑफ सन ये भी कांस्टेंट टर्म है. ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है. हम लिख सकते हैं ये क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट टर्म है कंप्लीट. तो हम लिख देते हैं 4 पाई बाय जी एम इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट. क्या है वो? कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा रिलेशन क्या रह गया बच्चों? हमारा रिलेशन रह गया t square directly proportional to r cube. The relation between them. देखे ना, ये हमारा result था. ये r square है, r square को बच्चों r cube को सॉरी r cube को हम a cube से replace कर सकते हैं, क्योंकि a cube जो होते हैं ये semi major axis के लिए ली जाती है. We can replace by a cube. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि t directly t square directly proportional a cube. ऐसा भी लिख सकते हैं. इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों आप समझते हो, ये बड़ा होगा टाइम बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा. ये सिंपल सा मीनिंग होता है इसका. आपने देखा है, बहुत बार देखा है, और ये काइनेमेटिक्स में बहुत बार स्टडी किया आप लोगों ने. ठीक है, तो ये क्या है कैपिटल का थर्ड? इज इट क्लियर? तो देखिए हम नेक्स्ट करते हैं. उसके बाद इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद जो कैपिटल ने जोहानेस कैपिटल ने हमें ला दिए रिवोल्यूशन के बारे में, प्लैनेट के बारे में, उसके बाद न्यूटन जी ने, जो न्यूटन थे हमारे, उन्होंने कुछ और स्टडी की. जो कहानी सुनाई जाती है सदियों से, कहानी होती है, आपको मैंने पहले भी बताई है कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, वहां से एक सेब आगे गिर जाती है, तो न्यूटन सोचता है कि सेब गिरी है तो कोई ना कोई फोर्स है जो उसको क्या कर रहा है, जो नीचे की तरफ खींच रहा है. ये बहुत ही पुरानी कहानी है और बहुत ही सदियों से सुनाई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. क्या न्यूटन को सेब का पेड़ ही मिला बैठने के लिए? ये तो एक मतलब स्टोरी के माध्यम से, हम स्टोरी के मीडियम से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं. तो उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं. बस इतना सा वे है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसको सेब का पेड़ ही मिला था बैठने के लिए, ऐसा कुछ नहीं. तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन ने इन सब चीजों को देख के, रिवोल्यूशन को देख के, भी किसी चीज को कोई खींच रही है, क्या कारण है, इन सब ऑब्जर्वेशन को, क्या जोहानेस कैपिटल जो था उसकी ऑब्जर्वेशन को देख के, उसके जो प्रूफ थे उनको देख के उन्होंने एक लॉ बनाया. उस लॉ का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. यूनिवर्सल लॉ भी बोल सकते हैं इसको, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ. उसके नाम है यूनिवर्सल लॉ. उसको बोल सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ
ग्रेविटेशनल और ये यूनिवर्सल लॉ और यूनिवर्सल इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोला जाता है। तो इसके पीछे इसलिए रीजन क्या है जो इसको यूनिवर्सल लॉ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो लॉ है हर जगह अप्लीकेबल है यूनिवर्स के अंदर, चाहे आप दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे आप पहाड़ी पे चले जाओ, चाहे आप नीचे खाई में हो, कहीं पे भी हो तो ये लॉ वहां पे अप्लीकेबल होगा। आई बात समझ में। इसको दूसरा नाम दिया जाता है सेंट्रल लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, बहुत सारे नाम होते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो ये जो फोर्स है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस पे डिपेंड करता है, नॉट ए मीडियम बिटवीन देम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट द इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम बिटवीन टू बॉडी। अगर बॉडी के बीच में पेन लोहा है तो उतना ही फोर्स लगेगा, अब पानी लेके आओगे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है मीडियम पे, जैसे कंडक्टर होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, इंसुलेटर होगा तो फोर्स कम होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा किसके बीच में होती है, 2.4 पार्टिकल के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल हो उनके बीच में ही क्या होगी, क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा इसका नाम है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स किसको बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स इसको क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं सेंट्रल फोर्स क्योंकि ये फोर्स सेंटर टू सेंटर काम करती है। कहां से काम करती है, सेंटर टू सेंटर काम करती है। कैसे करती है सेंटर टू सेंटर काम, हम रोटेशनल मोशन में हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास, कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सारा का सारा ऑब्जेक्ट का मास कहां कंसंट्रेट हो जाता है, द सेंटर, और सेंटर पे सारा मास कंसंट्रेट है तो वहां पे फोर्स लग रही है, जैसे बॉडी पे क्या लगता है, मास लगता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं सेंटर। इसमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है, फर्स्ट बताया गया है देखिए ये वैलिड कैसे है, हम जानते वी नो दैट एवरी मैटर Every matter is made up of particle and particle have mass. And particle have ये बात जानते हैं कि मास जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है, मास के और वेट के बारे में डिफरेंस पड़ेगा। तो आप देखिए पहला क्या था, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस पहली जो स्टेटमेंट थी न्यूटन ने वो कहा जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं जो अट्रैक्शन की, इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव, नॉट रिपल्सिव, सिर्फ कैसी है उसके बाद उसने कहा उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, प्रोडक्ट मींस उनकी गुणा करनी है, इसकी दो मासेस होगी, दो मास की जो प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही क्या लगेगी उसके ऊपर ज्यादा फोर्स होगी। आई बात समझ में। तो हम इसको राइट कर लेते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, दिस इक्वेशन नंबर एम वन एम टू, इसमें एक मास किसका रहेगा, तो कैपिटल एम आपने लेना होगा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दैट इज कॉन्स्टेंट,
मास ऑफ वर्क क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट, याद रखना है हमेशा, वेरिएबल एक मास रहेगा, स्मॉल m हमेशा आपने लेना है मास ऑफ, ये ध्यान रखना है। सेकंड स्टेटमेंट उसकी क्या थी, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी बिटवीन टू बॉडी, यानी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर को। ये आर क्या है, आर है क्या चीज, डिस्टेंस बिटवीन टू जरूरी नहीं है अर्थ, एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, जरूरी नहीं है कि अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में ही ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। कंपल्सरी कंडीशन क्या है, कोई भी दो हैवीली ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक चार्ज की मैंने बताई और एक इसकी मास की, चार्ज वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा, अगर मास की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा, ग्रेविटेशनल। ये क्वेश्चन आता है कई बार, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे रिपेल, पढ़ाया जाता है टीचर पढ़ाते हैं कि दो लाइक चार्ज वो क्या करते हैं रिपेल करते हैं, लेकिन एक कंडीशन हो जाती है दो लाइक चार्ज हैं वो अटैक भी कर सकते हैं, किस केस में, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों, एक के पास अगर मास ज्यादा हो गया कंसंट्रेशन ज्यादा होगी के पास कम होगी तो ज्यादा वाला अर्थ की तरह बिहेव करेगा, उसको क्या करेगा अपनी तरफ खींच लेगा अटैक कर लेगा अपनी तरफ, आई बात समझ में, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी, समझ में आ रही है, तो जरूरी नहीं अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा सकता है जिसके पास क्या हो मास हो, अगली बात समझ में, तो हम ये कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंड ऑन मास, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन दी मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आई बात समझ में, क्लियर है ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी बच्चों, सेकंड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन, बोथ इक्वेशन कंबाइन, कंबाइन बोथ इक्वेशन, कंबाइन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ना आता है सबको, ऐड करना आता है, सिंपल सी बात है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एम, ध्यान रखना कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एंड आर स्क्वायर, दिस बिकेम इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई, बन गई ना इक्वेशन, ये नेट रिजल्ट, ये रिजल्ट निकल गया है आपका, बट हमें पता है इस बात का कि हमें इक्वेट करना जरूरी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, तो इसको हम थोड़ा सा इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो न्यूमेरिकल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, एनसीईआरटी जो भी दिए गए हैं, अनसोल्ड है जो आप पीछे करते आ रहे हैं अनसोल्ड न्यूमेरिकल, वही इनके ऊपर बेस्ड होते हैं, छोटी छोटी जो ट्रिक आती है, छोटे छोटे जो पॉइंट निकल के आते हैं, नोट पॉइंट आते हैं, उनके ऊपर ही बेस्ड होते हैं न्यूमेरिकल, ये आपने पीछे डिस्कस देख लिया, 5 मिनट के आप न्यूमेरिकल पढ़े हैं, 5 यूनिट में वही चीजें हैं जो आपको बताई गई है, न्यूमेरिकल भी अप्लीकेबल होती है ना, तो वही चीजें आपने ध्यान से पढ़नी है, क्रिटिकल आ गया तो न्यूमेरिकल भी आ गया, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, बार बार एक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करते हैं, ध्यान रखना कई बार आपने देखा होगा के की वैल्यू को 1 पुट कर दिया जाता है और के की वैल्यू को एक बार 1 पुट नहीं किया जाता, कोई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट निकल जाता है,
दैट द रीजन बिहाइंड दिस. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो हमें पता है इस रीजन का, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है, अगर फॉर्मूले में कोई भी क्वांटिटी पहली बार इंट्रोड्यूस की जा रही हो तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को 1 मानेंगे. अगर कोई क्वांटिटी ऐसी हो, सारी क्वांटिटी ऐसी जो नोन हो, जिनको हम पहले से जानते हैं डेफिनेशन को, तो हम ए की वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, 1 पुट नहीं कर सकते. आई बस उसमें दैट इज क्लियर. तो देखिए यहां पे k की वैल्यू को 1 नहीं पुट कर सकते, इसलिए हम यहां पे कैपिटल g का काम करते हैं, g लेते हैं, क्या लेते हैं, कैपिटल g, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय अर्थ, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि f g, ग्रेविटेशनल फोर्स. g क्या है यहां पे, g क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6.67 इनटू 10 की पावर -11. और देखिए यहां से यूनिट निकालने आपको आती है, यूनिट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, यूनिट निकालने के लिए एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम ई एंड एम ओ, एफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन लिख दी, आर यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर का क्या कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर को स्क्वायर कर दिया, डिवाइड में है इसको ऐसा कर देते हैं, पर लगा देते हैं सिंबल, और मास, मास की क्या होगी, केजी इंटू केजी, क्या बन जाएगा, केजी का स्क्वायर. तो ये क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर. दिस वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू. अब इसका नाम बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट को हम, इसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों रखा, ऐसी क्या खासियत है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन बिहाइंड द कैपिटल जी, व्हाई वी नीड इट द यूनिवर्सल कांस्टेंट. तो उसके पीछे बच्चों ये रीजन है, जो ये वैल्यू दी गई है पूरे यूनिवर्स में, अगर आप कहीं भी जाओगे तो ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू चेंजेबल वैल्यू नहीं होती, हर जगह आपकी ये वैल्यू रहेगी. आईआईटी के पेपर में हर बार अगर यूनिट एंड डायमेंशन से न्यूमेरिकल आता है तो मोस्टली इस जी के डायमेंशन और यूनिट से आता है, जी के डायमेंशन निकालने हो या जी के कहीं ना कहीं जी का जरूर कहीं ना कहीं जिक्र मिलेगा पक्का, श्योरली ये बात. तो जी के डायमेंशन आप निकाल सकते हो, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ जी, कैसे देखिए, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल वन टी माइनस रेडियस का एल स्क्वायर डिवाइड बाय मास का एम वन, और इसका भी कितना, ये ध्यान रखना है सारे के सारे कैपिटल लेटर में और उसके ब्रैकेट के अंदर क्या होगी, बंद हो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका कैपिटल जी आ जाएगा, इसके डायमेंशन निकल के आ जाएंगे, इसी क्या निकल के आ जाएंगे, डायमेंशन निकल के आ जाएंगे. क्लियर? अगर आप देखिए, अगर जी की डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, सपोज करो आपसे कोई जी की डेफिनेशन पूछे, कुछ नहीं चाहते जी की डेफिनेशन बेसिकली, लेकिन बाय चांस अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या दोगे इसका आंसर, आंसर देने का मतलब है जब भी साइंटिस्ट लोग इसकी डेफिनेशन बनाते हैं तो इन सबको यूनिट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, यूनिटी कैसे, एफ किसके बराबर, जी एम ई एम को कौन, आर स्क्वायर, मैं मास ऑफ अर्थ को भी कितना मान लूं, 1 मान लूं, मास ऑब्जेक्ट को भी कितना मान लूं, 1 मान लूं, रेडियस भी जो सेंटर जो ऑब्जेक्ट थे, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट थे, एक ये ऑब्जेक्ट था और एक ये ऑब्जेक्ट था, इसका मास यहां कॉन्सेंट्रेट था, इसका मास यहां कॉन्सेंट्रेट था, ध्यान रखना बच्चों सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है, सेंटर टू सेंटर, ये हमेशा ध्यान रखना, हर डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ही मेजर होती है, कहीं ऐसा नहीं कि यहां से डिस्टेंस मेजर कर दो, यहां से डिस्टेंस मेजर कर दो, यहां से कर दो डिस्टेंस मेजर, यहां से, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारा मास का कॉन्सेंट्रेट होता है सेंटर ऑफ बॉडी. वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर इन रोटेशनल मोशन एंड द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. इनके बीच में जो आर है वो भी कितना मान दिया, उनका स्क्वायर 1 * 1 * 1 का स्क्वायर क्या आया, 1. ये एफ किसके बराबर आ गया, जी के बराबर आ गया. तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is equal to the force of attraction
is equal to the force of attraction, force of attraction acting between two bodies, acting between two bodies each of unit mass, each of unit mass whose center are placed unit distance apart. तो किसकी डायमेंशन होगी बच्चों? कैपिटल जी की डेफिनेशन होगी. फर्स्ट डायमेंशन निकालो, तो डायमेंशन निकल क्या जाएगा? आराम से निकल जाएगा, m क्यूब पर जाएगा, तो ऊपर कितना बन जाएगा? माइनस वन, और l स्क्वायर और l वन है, कितना बन जाएगा? l क्यूब और t माइनस टू. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m माइनस का वन l क्यूब और t माइनस का. This is the dimension formula of the G-vector. ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें हमें पढ़ना है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है, उनकी फोर्स कैसी क्वांटिटी है, क्या वेक्टर क्वांटिटी है. आर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर ही तो है. पोजीशन वेक्टर क्या होता है बताइए? पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको क्या होता है? पोजीशन वेक्टर किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं. और उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर्स नाम में, दोनों में वेक्टर में f1 जैसे कि रेडियल वेलोसिटी मैं आपको बता रहा va, vb, va वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो इसमें तीन चार और इसमें फॉर्मूले रहेंगे, इसके इंपोर्टेंस रहेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी. कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, किससे अलग होता है, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है. ये कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ये तो लिख भी लो. ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स. कौन सी फोर्स है ये? कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे होती कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से चैप्टर में? वर्कडन वाले चैप्टर में. क्या था ना, तीनों पाथ लेके यहां से जाएंगे ऊपर से, तब भी वर्कडन कितना आ रहा था? mgh. सीधे जाएंगे mgh, इंक्लाइन में जाएंगे mgh, तो हर जगह वर्कडन की वैल्यू कितनी आ रही? mgh. ये कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी क्या रहेगी? सेम रहेगी, किसी भी रास्ते से जाओ, किसी भी पाथ को चूज करो. आई बस हमने बाकी इसके हम कल डिस्कस करेंगे. कुछ कंटेंट्स कौन कौन से? आंसर है प्रॉपर्टी. कौन सी? प्रॉपर्टी और वेक्टर फॉर्म. तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और हर इसके बाद इसमें इस ग्रेविटी में चेंज किस किस के कारण? वेरिएशन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू लैटिट्यूड, ड्यू टू लॉन्गिट्यूड, इन सब के कारण जी की वैल्यू में चेंज पड़ेंगे हम. जो जी का होती है ग्रेविटी, ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं करती, ये डिस्कस करेंगे. आज इतना ही.